जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में 2 जून की देर शाम आतंकवादियों ने एक नगर पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि 3 अज्ञात आतंकवादियों ने त्राल नगर निगम के पार्षद राकेश पंडिता पर उस समय गोलीबारी की जब वह त्राल पाइन में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। पंडिता ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके दोस्त की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कहा कि पंडिता श्रीनगर में एक सुरक्षित आवास में रहते थे और उन्हें 2 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी प्रदान किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। घटना पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस ने बयान जारी कर हमले की निंदा की। बयान में कहा गया कि आतंकी अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, ऐसी बेमतलब की हिंसा से जम्मू कश्मीर को सिर्फ कष्ट मिला है। कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना ने घटना को मानवता और कश्मीरियत की हत्या बताई है, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ने हैरानी जताई है। इससे पहले भी 30 मार्च को आतंकियों ने सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में घुसकर 2 बीजेपी पार्षद और एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी।